नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आपको बीएड एडमिशन 2024-25 के रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और फीस की पूरी जानकारी के साथ आपको और भी बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड एमएड एकीकृत 3 वर्षीय या बीए बीएड, बीएससी बीएड एवं बीएलएड तथा बीएड के अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2024-25 में एडमिशन की पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको दिखा दें कि एडमिशन कब से शुरू हुआ है। 1 मई 2024 से 9 मई 2024 तक पहली काउंसलिंग चलेगी, यानी प्रथम चरण, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 2 मई से लेकर 11 मई तक आपको ऑनलाइन सत्यापन, यानी कि सत्यापन कराना होगा। ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर नहीं होगा तो आपको जाके कराना पड़ेगा 2 मई से 14 मई 11 मई तक। अगर कुछ दिक्कत है तो 14 मई तक हो जाएगा। इसके बाद उसकी मेरिट आएगी 15 तारीख को। इसके बाद उसका जो अलाटमेंट लेटर आएगा 21 मई 2024 को फर्स्ट राउंड का आएगा, यानी फर्स्ट राउंड का अलाटमेंट जो आएगा 21 मई को आएगा, ठीक है। इसके बाद आप 21 मई से 25 मई तक उसकी फीस जमा कर सकते हैं एडमिशन के लिए। दूसरे चरण का उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 21 मई से 28 मई तक, और ऑनलाइन सत्यापन 22 मई से 30 मई तक, और मेरिट सूची आएगी 3 जून को, और जो सीट आवंटन अलॉटमेंट लेटर आएगा 9 जून को। इसके बाद 9 जून से 13 जून तक दूसरी काउंसलिंग का, बीएड एमएड जो कुछ भी कोर्सेज हैं उन सभी का एडमिशन फीस जमा करने का। उसी प्रकार से तीसरा चरण भी है 7 जून 2024 से 12 जून 2024 तक। इसके बाद यहाँ पर 8 जून से और 13 जून तक वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर 18 जून को मेरिट सूची आएगी, अलॉटमेंट आएगा 25 जून, और फीस पेमेंट करने के लिए 25 जून से 30 जून तक, यानी कि जुलाई से पहले पहले 3 चरण आपके निपट जाएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं फीस कितना लगेगी। जो भी आप जितने भी कोर्स मैंने बताया, बीएड एमएड और बीपीएड एमपीएड, बीएड एमएड, बीए बीएससी, बीएड बीए बीएससी और बीए बीएड या बीएससी बीएड और बीएलएड, जितने भी कोर्सेज हैं इन सबके एडमिशन 2024-25 में शुल्क जो लगेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जो जनरल ओबीसी रहेंगे 250 रुपये, और जो एसटीएससी रहेंगे 125 रुपये रजिस्ट्रेशन लगेगा, और जो जनरल ओबीसी रहेंगे उनके चॉइस फिलिंग का 50 रुपये, और जो एसटीएससी रहेंगे उनके चॉइस फिलिंग का भी 50 रुपये लगेगा। कुल मिला के अगर कहें तो जनरल ओबीसी का 300 रुपये कुल हो जाए, 250 और यह 50, कुल 300 रुपये रजिस्ट्रेशन खर्च आएगा। और जो एसटीएससी है उनका 175 रुपये, जनरल ओबीसी का 300 रुपये और एसटीएससी का 175 रुपये रजिस्ट्रेशन खर्च आएगा। इसके बाद उनकी सारी प्रक्रिया पुरानी है, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, भरवा सकते हैं। अगर आप सिंगरौली से हैं तो हमारे हरिओम ऑनलाइन में विजिट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में कुछ मोटे तौर पर जानकारी। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हायर एजुकेशन पर इसके लिंक यहाँ पर आ चुकी है। बीए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बीए, बीपीएड, एमएड, बीएमएड जो कुछ भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इसके लिए, बीएड एमएड के लिए, बीपीएड के लिए, अगर बीए बीएड, बीएससी बीएड करना चाहते हैं यहाँ, बीएड पार्ट टाइम के लिए यहाँ, और रजिस्ट्रेशन पे अनपेड देखने के लिए यहाँ पर, और वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर। यहाँ पर बीए बीएड का कुछ काउंसलिंग एक्टिविटीज दी हुई हैं, यानी चॉइस फिलिंग इसमें होगा, बीएड की चॉइस फिलिंग इसमें, बीएलएड की चॉइस फिलिंग इसमें, बीएससी बीएड की चॉइस फिलिंग इसमें होगी, और बीएड एमएड की चॉइस फिलिंग इसमें, यानी यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग यहाँ से होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एनसीटीई की काउंसलिंग, यानी 2024-25 का रूल बुक दिया हुआ है, यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है और इंस्टीट्यूट की जानकारी दी हुआ है। पहले आपको हम शेड्यूल दिखा देते हैं। शेड्यूल हमने आपको दिखा दिया इस प्रकार से, 3 राउंड में शेड्यूल दिया हुआ है। पूरा शेड्यूल आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद जो यहाँ पर रूल बुक की जानकारी दी हुई है 2024-25 का रूल बुक, ये का संक्षिप्त में हम रूल बुक आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने फीस की जानकारी आपको दिखा दिया था। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी जो है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी अगर आपके सामने यहाँ पर ढूंढ लेते हैं इस पीडीएफ में, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी कहाँ है उसको, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स के रूप में ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया, यहाँ पर जन्मतिथि प्रमाण पत्र यानी 10वीं की अनुसूची, न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा की अनुसूची, यानी आप बीएड करेंगे तो ग्रेजुएशन लगेगा, बीए बीएससी के लिए, बीए बीएड के लिए 12th काम करेगा। अगर आप कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, और कोई स्पेशल छूट है स्पेशल छूट का लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके साथ ही अगर आपका मेडिकल है, कोई भी है तो मेडिकल लगेगा, और भी जो कुछ भी जरूरी चीज़ें हैं वो लगेगा। लेकिन सामान्य लोगों के लिए 10वीं, जाति प्रमाण पत्र और निवास और आय प्रमाण पत्र, इतना ही लगता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको बीएड, एमएड और बीपीएड इत्यादि जो भी कोर्सेज हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सभी कोर्सेज के एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग की पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। फीस की जानकारी मैंने बताया कि जनरल ओबीसी का 300 रुपये लगेगा, एसटीएससी का 175 रुपये, और जैसे ही एडमिशन होने लगेगा तो बीएड में एसटीएससी का 5,000 लगता है और ओबीसी जनरल का 16,001 किस्त जमा करना होता है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।